नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम लोग की जो टीम है यूपी यात्रा पे निकली हुई है यूपी का हाल और चाल जानने। मैं, हमारे साथ ही जेरी और आयुष, हम लोग इस समय हरदोई ज़िले में हैं। जब आप हरदोई आते हैं लखनऊ से तो लगभग 125-110 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। और छोटा ब्रीफ दे दूं कि हमने किया क्या है अब तक हरदोई में। हरदोई के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम है नरेश अग्रवाल, हमने उनका इंटरव्यू किया है, वो भी आप देख सकते हैं ललन टॉप पे। और हरदोई का एक ट्रॉमा सेंटर है जो वहाँ पर जाने पे आपको लगेगा, आपको डर लगना चाहिए, वहाँ पर आप जाएँ तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पर इलाज क्या मिलेगा, वह जब यहाँ पर लोग ही नहीं हैं। तो उसकी बातचीत है एक अलग वीडियो में, और अधिकारी क्या क्या कहते हैं, कैसे बॉल शिफ्ट की जाती है एक पाले से दूसरे पाले में, उस पर थोड़ी बातचीत है वहाँ पर। और अब गपशप का टाइम है, लोगों से बातचीत का टाइम। अरे यार, आप लोग बहुत लंबा फैल गए हैं, थोड़ा सा घूम जाइए, गोल में आ जाइएगा। आयुष, थोड़ा सा दिखवा लो, बहुत लंबा सा फैला हुआ है ना, मैं कहीं से बात कर पाऊँगा बाबू। तो अब ये जो बातचीत है वो गपशप वाला टाइम है, हरदोई का हालचाल जानने का टाइम है। पिछली बार का हरदोई का जो, अगर जनपद के हिसाब से बात करें तो 8 सीटें हैं, लोकसभा को बांट दें हरदोई और मिश्रख, और हरदोई लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अब इन विधानसभा सीटों का हिसाब किताब पिछली बार तो बीजेपी के पक्ष में था, इस बार क्या है, इस बार किधर जाएगी हरदोई की हवा, हरदोई में काम धाम कितना हुआ है, क्या हुआ है, कितना होना बचा हुआ है, इन सब पे बातचीत करने के लिए और इन सब पे बातचीत में का जो जोरन होता है वो शुरू करने के लिए कुछ तथ्य जानने होंगे कि हरदोई में कई चीज़ें, परियोजनाएं हैं जो लंबे समय से बनी हुई हैं और अब बंद हैं, शुरू ही नहीं हो सकी शुरू होने के बाद। और सबसे पहले यहाँ पे कुछ पार्टी के लोग भी पहुँच गए हैं तो वो वाला झमाझम होने के आसार हैं, लेकिन उसके पहले लोग हैं जो शायद बताएंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना जुड़ा, कितना नहीं जुड़ा। और कुछ पत्रकार भी हैं, वो भी शायद कोई दृष्टि डालेंगे इस पे। तो सर, आपसे बातचीत, आप ही आइए, अरे आप ही आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? पंकज मिश्रा। पंकज जी जी, आप दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं सर यहाँ पे। कितने समय हो गए सर हरदोई में? हरदोई में 7 साल हो गए। 7 साल यहीं के रहने वाले भी हैं। अच्छा सर, यहाँ पर अगर काम गिनाने हो, हरदोई की इकॉनमी पर बात करनी हो आपको कि हरदोई को पैसा कहाँ से आएगा, लोकली ये जनपद अपना पैसा कैसे जनरेट करता है, तो कितनी मिलें, कितने कारखाने, क्या हिसाब किताब है यहाँ का? हरदोई में 3 तो चीनी मिलें हैं, बड़ी बड़ी हैं, डीसीएम ग्रुप की हैं, बाकी औद्योगिक क्षेत्र संडीला में बड़ा है। अब की बार बिबले ने वाली एक फैक्ट्री लगाई है, बिबले ने, जो कि एक मतलब एशिया की बड़ी है बिबले स्कॉट, और बाकी संडीला में कई फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं। वेबले स्कॉट, वो पिस्टल वाली? जी हाँ, पिस्टल रिवॉल्वर वाली, वेबले स्कॉट की रिवॉल्वर। हाँ जी जी, तो वेबले स्कॉट की रिवॉल्वर की फैक्ट्री लग रही है संडीला में इधर, और बाकी चीनी राइस मिले भी हैं। राइस मिले तो काफ़ी हैं, राइस को बड़ा उद्योग हमारे हरदोई में है। राइस का तो बहुत बड़ा उद्योग। जी हाँ जी हाँ, राइस दाल वाला, दाल का नहीं, राइस ज़्यादा है, राइस मिल ज़्यादा है। दाल की मिले भी हैं कि नहीं? दाल मिले हैं, दाल मिल भी हैं यहाँ। जी हाँ। अच्छा, किस स्थिति में हैं मिले यहाँ पे? मिल ठीक है, राइस मिल थोड़ा कमज़ोर हुआ था लेकिन अब मजबूत हो रहा, धीरे धीरे उद्योग। राइस मिले मजबूत कमज़ोर हो गई थी, थोड़ा कमज़ोर हुई थी ना। हाँ। एक कमज़ोर चावल की नीति जरा थोड़ा बहुत वजह फर्क पड़ा, लेकिन अब ठीक है, सही है। चावल की नीति, जीव नीतियों की वजह थोड़ा मिलर्स जो थे इनका चल रहा था, पदम चल रहा था, लेकिन सरकार से इनका बातचीत हो गई, अब सही चल रही तो हो गया। अच्छा, क्या नीतियों में परिवर्तन हुआ था सर? अब परिवर्तन के लिए डीपली नीतियों को नहीं, गहराई जानकारी है इतनी, लेकिन कुल मिला के चावल उद्योग मजबूत है यहाँ का, चावल अभी भी मजबूत है। तो मिला जुला के इन चीज़ों के आसपास इकॉनमी चल रही है यहाँ की। अच्छा, ऐसा है ना गुरु, हम आप लोग ना इतना दूर खड़े हैं, पता नहीं, हमको नहीं पता आपको इतनी की इधर की आवाज़ कितनी जाएगी, लेकिन हाँ इसीलिए बोल रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा पास आ सकते हैं और बता सकते हैं कि आप लोग को क्या बोलना है। तो यहाँ पर एक यार चीज़ बताते हैं लोग की, एक परियोजना थी कृषि महाविद्यालय के नाम से, वो शुरू हुई और फिर शुरू ही नहीं हो सकी है, मतलब 4-5 साल बनी थी, प्रदेश में किसी और की सरकार होगी, और वो शुरू हुई और बन ही नहीं सकी, फिर उसमें काम ही धाम नहीं शुरू हुआ। कौन बात करेगा इस पे? हैं, तुम कहीं नहीं बतियाओगे? संदीप दादा जी कौन है जी? अच्छा, आप है संदीप जी, जी। क्या क्या करते हैं संदीप? मैं भाजपा का जिला उपाध्यक्ष हूँ और वकालत भी करता हूँ। जिला उपाध्यक्ष हैं, वकालत भी करते हैं। लोग मुझसे बताते हैं कृषि महाविद्यालय एक शुरू हुआ जी। और शुरू नहीं हो सका अभी तक,
बिल्डिंग बन गई। हाँ मतलब परियोजना तैयार है आपकी। और बन गई, इस संबंध में बातचीत भी हुई है माननीय सांसद और विधायक गणों से। और कौन किया बात? हरदोई की जनता बात करती है। हमारे विधायक और सांसद ऐसे नहीं है जो कमरों में बैठकर राजनीति करें, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं, उनको उनकी प्रेस रिलीज बाद में सामने आएगी। अभी बताइए कि कृषि महाविद्यालय को लेकर सांसद और विधायकों ने सरकार शासन में अपनी बात रखी है और जल्द ही उसमें काम शुरू होगा। क्या बात रख दी? मतलब काफी समय, मतलब मुझे तो पता है 17 के पहले पूरा हो चुका था वो। नहीं, निर्माण तो हमारी सरकार में पूरा हुआ। निर्माण आपकी सरकार में जी है? ऐसा है, निर्माण की सरकार में पूरा हुआ? नहीं, निर्माण समाजवादी सरकार में है। निर्माण जो है समाजवादी सरकार में पूरा हुआ और समाजवादी सरकार की ही देन है कृषि महाविद्यालय। अब ये लोग कुछ और बोल रहे हैं, इनका कुछ नहीं है झूठ के सिवाय। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर मार्ट जो बना हुआ है, मत गरमाइए, बाद में मौका मिले। एग्रीकल्चर मार्ट जो बना हुआ है गल्ला मंडी के पड़ोस में, नवीन गल्ला मंडी, अभी वो भी स्टार्ट नहीं करा पाए यार। हाँ, ये गल्ला मंडी पे भी बात होती है, गल्ला मंडी में नहीं हो पाया वो तो। अब तो मतलब यार, मतलब यहाँ पे हरदोई में तो कहा जाता है यार, नरेश अग्रवाल जी हैं, उनके बेटे नितिन अग्रवाल जी हैं। नितिन अग्रवाल जी के बारे में कहा जाता है कौन पार्टी में बैठते हैं पता नहीं चलता, वो सुबह सपा वाले मुख्यालय में रहते हैं, शाम को बीजेपी कोर कमेटी में बैठते हैं, ऐसा कहा जाता है। नितिन अग्रवाल आपकी पार्टी के हैं कि नहीं? नितिन अग्रवाल हमारी पार्टी में हैं और हम आपको बता दें ये लोग नरेश अग्रवाल जी को, नितिन अग्रवाल जी को अपने यहाँ नहीं रोक पाए, क्या करते रहे। भारतीय जनता पार्टी में नरेश अग्रवाल जी हैं और नरेश अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। जी वहीं रहेंगे बिल्कुल। हम नरेश अग्रवाल जी से आज मिल के आ रहे हैं। आज ही आप पूछ कर आइए। नितिन अग्रवाल जी कुछ और बोल दिए हैं, हम बता दे रहे हैं। आज ही आप पूछ कर आइए, बता रहे हैं वीडियो में कुछ और बोले हैं वो। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। अरे वो ठीक है, नितिन जी के बारे में कुछ और बोल दिए हैं वो। कुछ नहीं बोले हैं, कुछ नहीं बोले, हमसे बोले हैं भाई। तो आपसे बोले, बताओ ना क्या बोले हैं, तो हम भी बोले। उनसे दारू बटवा के संस्कारित कर रहे हैं मंदिरों में, उनसे दारू बटवा के संस्कारित कर रहे हैं भाजपा में रख के। अच्छा, मंदिरों में दारू बटवाया जा रहा है, कौन बटवा रहा है? नरेश जी बिल्कुल। अच्छा, पहले बटवाए थे जनता पार्टी के कहने पहले भी बटवाते थे? नहीं पहले नहीं, ऐसा कोई कृत्य सामने आया। सपा में नहीं बटवाते थे, भाजपा में आने बटवाने लगे, ऐसा कहा जाता है। मुद्दा तो बाद में जब इनके पास गए तब उठा। बारी बारी, हाँ हाँ, ये मुद्दा तो बाद में मंदिर में जब दारू बटवाई, ये तो इनके मंदिर में दारू बटवाने की क्या कहानी? इनके साथ रह के किया उन्होंने, सपा में तो रह के किया नहीं, मंदिरों में दारू बटवाई। सपा में तो ऐसे भी तो दोहा उनका बड़ा प्रचलित है, सपा में थे, राज्यसभा में तो बड़ा बढ़िया दोहा, सुनिए ना, राज्यसभा में एक बहुत विवादित दोहा सुनाए थे वो, उस समय तो सपा में थे ये सुनाते समय। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा थोड़ा असर आ गया था ना। अच्छा, असर आ गया। थोड़ा थोड़ा असर आ गया। आप लोग ऐसे ही उनको मतलब ऐसे बबुआ की तरह रखे हुए थे, नहीं भैया ठीक है सब चलता रहेगा, ऐसा चले गए तभी तो चलेगा ना। अब नहीं मानते हैं आप लोग उनको बिल्कुल। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो हैं, सॉरी हजेरी सासी आ रही थी मुझे यार इस बात पे, मतलब एक हमारा इंटरनल बातचीत है, तो अभी सितंबर में तो बोल के गए कि वो बोल दें कि बीजेपी अपमान किया है, सपा उनको स्वीकार कर लेगी। नहीं ऐसा नहीं बोला उन्होंने। अरे यार, एक तंज था उन पे। तंज था उन पे? हाँ। अच्छा, अभी मतलब सपा में आने के नहीं बुलाएंगे वो लोग बिल्कुल? समाजवादी पार्टी अब उनको नहीं स्वीकारेगी। ठीक है, मतलब भाजपा में रहें? बिल्कुल भाजपा में ही रहें। भाजपा में ही रहे। अग्रवाल को आप भी सपा में नहीं मानते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अच्छा। जो इनका झंडा बैनर ढो रहे हैं उनको हम अपना कैसे मान लेंगे? तो आप लोग क्या, क्या, क्या भाई, दूसरे दल में जाके तो दरी बिछाएगा, उसको हम अपना थोड़ी ना मान लेंगे। क्यों निष्कासित किया जा रहा है पार्टी से? पार्टी से निष्कासित कहीं नहीं कर दिया जा रहा है उनको? पार्टी से निष्कासित करके क्या मंत्री बनवा दें उनको? भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है, अपने सपा से निष्कासित कर दीजिए गो, वो भी आप नहीं नहीं आप लोग कहे कौन मोह में रोके हुए हैं उनको? क्या मंत्री बनवा देते हैं उनको? बोलिए जो करें अपने अपने नेता के साथ। अगर आप मान रहे हैं कि भाजपा में है तो उनको नेता बनाए, मंत्री बनाए चाहे राज्यपाल बनाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? फिर वही बात है, हम क्यों, हम निकालें क्यों उनको? क्यों निकालें? क्यों निकालें? वो गए अपनी मर्जी से गए, अब हम उनकी मर्जी से हम तो लेने वाले नहीं उनको, अब रास्ते उनके लिए बंद है। अब रास्ते बंद है उनके लिए, और निकालने भी नहीं कहेंगे भैया मंत्री न बन जाए, है ना ऐसा वाला। हाँ, मैं भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता है? और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा, वो वाला भाव बता रहे हैं। ये वाला है, मतलब बीच में अटका के रखना नहीं। एक विधायक की सीट चाहिए उनको, हरदोई सदर की, वो नरेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल देंगे चाहे जो आ जाए।
जिस भी पार्टी से लड़े अभी तक तो लड़ते ही हैं, पक्का है 89 से जीत रहे हैं आज तक। वो तो पता ही जीतते रहे, 89 में नरेश अग्रवाल जीते थे, वहाँ से लगातार जीतते रहे। 2008 में जब 7 में इन्होंने बसपा ज्वाइन की, उसके बाद 8 में जब आए नितिन अग्रवाल को इन्होंने सदस्यता दिलाई बसपा में, यही नुमाइश चौराहे पे यहाँ पे सभा हुई थी, वहाँ से फिर से ये विधायक चुने गए, मतलब चुनाव हुआ फिर ये विधायक चुने गए, फिर लगातार जीतते आए सब। उस समय सपा लहर में भी सपा में सपा से इन्होंने विधायकी सीट जिता ली, तो यही विधायकी सीट की वजह से कोई नहीं छोड़ पाता है उनको, कोई नहीं छोड़ पाता है। हाँ नरेश अग्रवाल यार उनके बेटे नितिन अग्रवाल काम धाम करवाए कि नहीं? काम के नाम पर तो वही है, 89 विधायक हैं, कुछ भी करेंगे, एक भी करेंगे तब भी काम होगा। काम के नाम पर सपा में थे तभी किया था, ये राज्य मंत्री थे स्वास्थ्य राज्य मंत्री तब, ये जो मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने उद्घाटन किया उसका वो इन्होंने ही शिलान्यास किया था यहाँ का। मेडिकल कॉलेज भाजपा सरकार की देन है, और जो सेंटर की बात कर रहे हैं वो नहीं, ट्रामा नहीं, मैं मेडिकल कॉलेज भैया ने मेडिकल कॉलेज की बात की, मतलब मेरे कॉलेज कंफ्यूज ही आ गए थोड़ा सा। हाँ कंफ्यूज ही आ गए, जो मेडिकल कॉलेज भाजपा की देन है, और ये जो इन्होंने पहले जो जो महिला अस्पताल बनवाया था वो मंत्री जी ने आ रहे हैं भैया आपके पास आएंगे। हाँ वो मंत्री जी की देन, जो महिला हॉस्पिटल बना था ये माननीय नितिन अग्रवाल जी की देन था। हाँ जी ओके, वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे तब उन्होंने यहाँ का शिलान्यास किया था। आप जब इंटरव्यू लीजिएगा नितिन अग्रवाल का तब पूछ मेडिकल कॉलेज का जी शिलान्यास यहाँ का मेडिकल कॉलेज का महिला का किए रहे होंगे यार, महिला 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 वाला भी बनवाया उन्होंने। और ये देखिए अभी एक प्रमुख मुद्दा उठा था हरदोई मेडिकल कॉलेज को लेके, जिसमें प्रमुख सचिव जी ने ये कहा था, जो जिसको कंपनी को टेंडर दिया गया है, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग की जो है। अच्छा। उन्होंने कहा था कि जो 350 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उसके पास कोई अनुभव प्रमाण पत्र ही नहीं है, कानपुर से बात क्लियर हुई है, उसके बावजूद भी वो बना रहे ऐसा कैसे? और दूसरी बात मैं कहूँगा, 2017 में समाजवादी पार्टी की सिंबल पे पार्टी से चुनाव लड़के आए और जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए CBI ED इनकम टैक्स से बचने के लिए। ठीक है, तीसरी बात मैं ये कहूँगा इनकम टैक्स से बचने के लिए क्या किए थे? ऐसा ऊर्जा मंत्री पद पे रहते हुए उन्होंने घोटाला किया, राज्य विद्युत परिषद का बंटवारा करते हुए जो एक अभी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियों का मामला हुआ, जिसमें खोदरी परियोजना 5 परियोजनाओं में से उत्तर प्रदेश को मिला था, जिसका फीडर सहारनपुर में लगा है, अगर वो मामला आज ठीक हो जाए तो उत्तर प्रदेश में बिजली सही तरीके से मिल सकती है। कॉपर का पूरा वायर बेच लिया गया और एल्यूमिनियम कर दिया गया, बड़ा मुद्दा है परिवहन में। बेचा कॉपर का वायर और कौन बेचेगा? मंत्री जी ने बेचा, नरेश अग्रवाल ने बेच दिया। सही सच्चाई है, बिल्कुल कॉपर का वायर सारा बेच के एल्यूमिनियम किया गया, ये सच्चाई है, परिवहन मंत्री रहते हुए किया गया। और मैं सीधी सीधी बात करो, और रही बात जनाधार की बात, तो जनपद हरदोई का इतिहास बहुत ही अलग है, 1857 की क्रांति में भी हमने बढ़ चढ़ की लड़ाई लड़ी, चाहे किसान आंदोलन की बात करें तो मदारी पासी जी का नाम एक आंदोलन बहुत बड़ा रहा है, लेकिन जो जनाधार का जिन्होंने अपमान किया है 17 में, हमने उनको वोट दिया, जिन लोगों ने भी वोट दिया, हरदोई की जनता ने वोट दिया समाजवादी पार्टी के, जनता के प्रति जब संघर्ष करने की बात हुई तो भाजपा में चले गए। अरे जनता देखना चाहती थी कि आप लड़ें, लड़ने की जब बात आई तो वहाँ गोद में बैठ गए, इससे काम नहीं चलने वाला, जनता इनको जवाब देगी, परिवर्तन चाहता है, रोज रोज ये मिठाई। आप शिवसेना की तरफ से बोल रहे हैं कि सपा की तरफ से? नहीं, मैं शिवसेना की तरफ से बोल रहा हूँ ना, जब हरिद्वार से इनको हटाया गया था तो मातोश्री गए थे ये बम्बई बाला साहब से मिलने, और उदयनाथ पांडे हमारे राज्य प्रमुख थे पूरे उत्तर प्रदेश के, नरेश जी के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, हरिद्वार में थे वो। हाँ, तो हरिद्वार से वो मुंबई गए थे मिलने के लिए बाला साहब से। ठीक है, उदयनाथ पांडे जी हमारे राज्य प्रमुख थे और उन्होंने मुलाकात नहीं हो पाई, उदयनाथ पांडे जी ने कहा अगर ये व्यक्ति शिवसेना ज्वाइन करेगा तो पूरा उत्तर भारत इनके विरोध में चला जाएगा, हम सब इस्तीफा दे देंगे। इसी के चलते इन्होंने 23 जनवरी 2000 को सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा शिवसेना संगठन इकाई के द्वारा स्थापित कराई जा रही थी, 107-16 में नेताजी की प्रतिमा का चालान कराया, जिसका हमने मुकदमा लड़ा भी है, डीजे कोर्ट का ऑर्डर है, 23 साल से प्रतिमा जो है सदर मालखाने में कैद है, और अभी 28 अक्टूबर 2020 की बात है, नेताजी की प्रतिमा का चश्मा भी टूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चौक पे नग्न जलपरियां लगा हुए हैं, जयदेव कपूर की प्रतिमा बनारस में इंतजार कर रही है जो यहाँ लगनी है, इनके सांसद ने उसका कपूर जो फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर काकोरी कांड, ठीक है, पंडित रघुनंदन शर्मा जिनके बेटे दयानंद जी हैदराबाद विलय कराने गए थे और शहीद हो गए थे,
उनकी प्रतिमा नहीं लग सकती। कर्नल हर्षदेव सिंह गौर, जो आप समझ लीजिए गौर रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, अशोक चक्र से सम्मानित, उनकी प्रतिमा नहीं लग सकती। महा नहीं कहां लगी अरे मतलब बाकी बातें ठीक है, पास हो गई मूर्ति आ गई, ये लग रही है 29 तारीख को लग रही है ना ये वाला सुभाष चंद्र बोस से बढ़ गई। देखिए आप लोग, आप इतना बोले कोई नहीं काटा, एक तो बोले सब लोग काटे नहीं। अच्छा ठीक, क्या सुभाष चंद्र बोस की आजादी के लिए हरदोई की जनता परिवर्तन करेगी? सुभाष चंद्र बोस की आजादी के, हाँ सदर मालखाने में कैद पड़े हैं ना। ये बात तो सही है। सुभाष जी की मूर्ति है, लगनी चाहिए, और बहुत साल से पड़ी है वहाँ पर और निकाली नहीं गई है, ये लोग काफी कर रहे हैं। शिवसेना से आपका कोई भी मतभेद हो सकता है, बाबरी मस्जिद हम लोगों ने गिराई, ठीक है, राम मंदिर में हम लोग अग्रणी थे, ठीक है, श्रेय हमको मिलना चाहिए, लेकिन श्रेय ये ले लिए बाला साहब, भाजपा वाले ले रहे हैं। और कौन है बाला साहब ने कहा कि केसरिया झंडे के नीचे पूरे हिंदुत्व को हम सबको एक करेंगे, बाला साहब बड़ी बात कर रहे थे, ठीक है जी। हिंदू तो डगमगा गया, अब कहा रह गया ही डाला, जिन्होंने बाबरी मस्जिद पे ताला डाला उनके साथ गठबंधन कर लिया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर ताला डाला, राजीव गांधी जी ने ताला डाला था, खुलवाया था उन्होंने, उन्होंने डाला भी था, और उनके साथ अब गठबंधन बना के सरकार चला रहे हैं, और बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। 35 साल हम आपके साथ रहे, क्या आपने दिया? बाला साहब वो मर्द थे जब गोधरा कांड हुआ था, अडवाणी जी हटा रहे थे नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से, बाला साहब ने कहा अगर ये व्यक्ति हट जाएगा तो देश का हिंदुत्व का भविष्य खतरे में आ जाएगा। बाला साहब को श्रद्धांजलि दी, बाला जी अलग चीज थे और आज मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के हैं, वो अलग चीज है। ये कहीं किसने ये, अरे बोलने दे, अब थोड़ा सा बाला साहब ठाकरे ने अडवाणी जी से कहा कि नरेंद्र मोदी जी को लाओ, ये कान बातें कौन बता जाता है? ये भी नहीं मालूम है जब जल्दी एक मिनट में ये बात खत्म कीजिए। अटल आडवाणी जी की को प्रत्याशी बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विजय राज सिंधिया जो राजमाता, मुद्दा ये है कि पता कहां से चला जी, मुद्दा सवाल उठाया कि पता कहां से चला, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख जी ने हम लोगों को बताया, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख जी ने हम लोगों को बताया है, हम संसार की पार्टी है, ठीक है, और हम लोग लगातार इस चीज को समझते हैं। ये वैसा वाला नहीं है, शास्त्रों में लिखा था, मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है, वैसा व्हाट्सएप वाला नहीं है, नो सर व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप ऐसे पातालों का डायलॉग है, हंसो मत, ये तो 1857 की क्रांति भी ये बदल देंगे, अब ये कहेंगे 10 मई 1857 मेरठ में। भाजपा वालों से ना एक सवाल मतलब लोग पूछना चाहते हैं कई कई बार कि यार एक नेता जो आपकी पार्टी में है अभी, अरे भैया सर आराम से, भाजपा वालों से एक सवाल बड़ा उठता है कि यार एक नेता आपके यहाँ जो इस समय है 74-75 साल उम्र है, उसने पॉलिटिक्स शुरू की कांग्रेस से, फिर वो इंडिपेंडेंट हुआ, फिर वो कांग्रेस में गया वो नेता, फिर वो बीजेपी में आया, फिर वो सपा में गया, फिर वो बसपा में गया, फिर सपा में आया, फिर वो बीजेपी में आया, क्या बीजेपी में आया? पहली बार बीजेपी में आया जी, ठीक है चलिए जी, और उन्होंने कसम खाई थी लल्लन टॉप के कैमरे पे जी कि मैं अपने राजनीतिक गुरु की कसम खाता हूँ बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। ये सवाल आप उनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं, जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं, राष्ट्रवाद के साथ चलना चाहते हैं, उन सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, सबका स्वागत है बीजेपी सरकार में, चाहे अपराधी हो, माफिया हो, गुंडा हो, सब पवित्र हैं। कौन अपराधी गुंडा है यहाँ पे बीजेपी में? कई तो जेल जा चुके हैं, हाँ अपराधी माफिया सब जेल में है, शाहजहानपुर प्रकरण में जेल जा चुके हैं, उसके बाद में उन्नाव वाले प्रकरण में जेल जा चुके हैं, उसके बाद में रीता बोगड़ा जोशी वाले जो घर वाला प्रकरण हुआ था उसमें उसको तो पार्टी से निकाल दिया, उसको पहले ज्वाइनिंग को रोक दिया गया, हाँ तो रोका क्यों? और वर्तमान में जो अभी एक रिपोर्ट आई थी, चाहे वो सही हो गलत हो, उसके आधार पे भाजपा में 140 विधायक दागी हैं, सबसे अधिक अपराधी है, कांग्रेस में दागी नहीं है, और सपा में भी है और कांग्रेस में एक है, हाँ तो उसकी आप कैपेसिटी देखिए इसमें कितने हैं, किस पार्टी में दागी नहीं बचे हैं, दागी सब में है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन बीजेपी में ज्यादा है, बीजेपी में दागी सब में है, लेकिन मतलब कम किस में, इस पर डिपेंड करता है, हाँ कम जो है कांग्रेस पार्टी में है जी।
और उसके अलावा इन्होंने जो भी योजनाएं बताई हैं आप आज बता दीजिए। हम तो कहते हैं बीजेपी सरकार के जो भी यहाँ पत्रकार साहब थे, वो सीनियर पत्रकार हैं यहाँ के, उन्होंने कई सारी परियोजनाएं बताई हों या जो भी हों वो बताएं। एक यहाँ पर कौन सी योजनाएं चली जो उन्होंने कहा जनधन में हम देंगे 50,000 रुपये, 15 लाख रुपये एक परिवार को नौकरी, ये घोषणा पे। उसके बाद में बुलेट ट्रेन चलाएंगे यही गांधी भवन की जनसभा में कहा था जी। सुनिए अब एक और सुनिए, एक देखिए एक बात आपने कहा बदमाश हैं। सुनिए अतीक अहमद जो है समाज सेवी हैं, हरदोई की बात सुनिए, केंद्रीय विद्यालय किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, केंद्रीय विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, ठीक है। हरदोई को मेडिकल कॉलेज किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। अच्छा, वो अभी मतलब अभी चलना शुरू, काम होना बचा हुआ है उसमें, भर्ती होने लगी, उसमें भर्ती हो गई है, डॉक्टर आने जा रहे हैं और आ चुके हैं। हाँ प्रोफेसर, आप चेक कर सकते हैं, मैं तत्परक की बात कहूँगा, हाँ आप चेक कर सकते हैं, सीरियसली मैं तत्परक बात, उद्घाटन हो चुका है उसका, शुरू हो गया मेडिकल कॉलेज। भाई साहब गए आखिरी बार आप जी? भाई साहब मेरी वहीं पे कैंटीन है। कब गए आखिरी बार? भाई मेरी वहीं कैंटीन, मैं सुबह शाम डेली जाता हूँ, मैं आज शाम को वहाँ से आ रहा हूँ। आप यहाँ, आप वहाँ गौरी डंडा मेडिकल कॉलेज, आप गौरी डंडा मेडिकल कॉलेज गए ना? आप दूसरे वाले में चल रहा होगा, वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए ना? अच्छा ठीक, दूसरी जिस बेला ताली में वो मेडिकल कॉलेज है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं भाई साहब, ट्रामा सेंटर है, ये केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, ये केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। दूसरा आप नहीं, आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। सुनिए तो ऐसा था, जो यहाँ पे सरकारी अस्पताल था उसका रिनोवेशन कार्य चल रहा था, उसी में मेडिकल कॉलेज के जो फैकल्टी आई हैं वो वहीं से भी ट्रीटमेंट करें, अभी बच्चे नहीं आना चालू हुए हैं यहाँ पर। अच्छा। बस अंतर सिर्फ मेडिकल कॉलेज इतना है अभी। अच्छा। ठीक, अब दूसरी बात, उन विकास कही जिस बे हर मेडिकल कॉलेज के साथ में हॉस्पिटल अटैच किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटैच हो गया है, तो ये एक फैक्ट है। नियुक्ति हो गई है टीचर्स की, एडमिशन नहीं हुए हैं, वो अगले साल होंगे मेरे ख्याल से, नई बिल्डिंग में ऐसा शुरू होगा धीमे धीमे, वो काम शुरू होते होते में एडमिशन अगले साल होंगे। बाकी हॉस्पिटल जो अटैच हुआ वहाँ एक कैंटीन इनकी है, तो इस पार्शली राइट जो जिसमें जो एक यहाँ बेलाताली नहर है, नहर का तालाब ऐसा है जिसमें मार के लाश फेंक दीजिए। अरे भाई सुन लो यार, अरे भाई, अरे पॉजिटिव देख लो, अबे तुम अपने दिमाग की जांच कराओ यार। हाँ, अब नेता लोग थोड़ा पीछे भी जा सकते हैं, पूरा जो नए लोग आए वो लोग भी आगे आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब से बतिया है, अभी ये बात कर रहे थे कि नरेश कैमरा पे आना है। नरेश अग्रवाल जी ने राज्यसभा में ऐसा बोला, क्या नरेश अग्रवाल जी उसमें सपा में थे, इन लोगों ने उन्हें निष्कासित किया था या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की थी? वो तो बता रहे हैं अग्रवाल के बारे में बोलने की। दूसरा इनका, हाँ आपके, आपका विधायक था, आप नितिन अग्रवाल सपा के विधायक थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? अपने चचा के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी, अपने चचा, अपने चिल्लाने उनके खिलाफ निष्कासित करने की विधानसभा अध्यक्ष को अर्जी दी, चचा की तो दे दी, शिवपाल जी की दे दी। अच्छा। इनकी क्यों नहीं दी? तो आपने अर्जी तो दी थी यार। क्या बात कर रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष आपका है, कैसे दी? ना गलत, सब टोटली गलत। हकीकत क्या है, ये सब लोग बौखलाए हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर 2022 के चुनाव में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है, पिछली बार से ज्यादा प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार, इससे बौखलाए हुए हैं, कोई मुद्दा नहीं है। जी सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही कार्य किया है, बहुत ज्यादा ही। मुझे 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 भविष्यवाणी नहीं सुननी है, मुझे सुनना है कि मुद्दे क्या है, इनकी बौखलाहट क्यों है? देखिए भाजपा के समाजवादी पार्टी की बौखलाहट क्यों है, क्योंकि उसने मुस्लिम समाज के ऊपर रखकर आरिफ खान सानू मुस्लिम समाज को सदैव गुमराह करने का काम किया। जब आज मुस्लिम समाज मुख्य धारा से जुड़ने का काम कर रहा है तो ये छोटे दल के लोग बौखलाए घूम रहे हैं। मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, सर्व समाज के साथ जुड़ने का काम कर रहा है। अब मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी बसपा के बहकावे में नहीं आएगा। चुकना।
बोलने दीजिए, बोले फिर आपको मौका मिलेगा। देखिए आपका आरिफ भाई, सुनिए सुनिए भाई भाई, अरे सर आपका हो गया, अब आपको आपके पास माइक नहीं आएगा दोबारा, आप पीछे चले जाइए भाई। अब जो सुनिए भाई साहब सुनिए, ऐसा है सुनिए, ऐसा है अब जो बोल चुका है ना वो यहाँ से पीछे चला जाए, नया आदमी आ गया जाए, मैं वैसे ही कैमरा वैमरा लेकर उनके पास नहीं आने वाला हूँ। हाँ आरिफ जी आपका नाम है, आरिफ जी आप जिले के बारे में बात कीजिए, भविष्यवाणियां तो समाजवादी पार्टी वाले भी करेंगे और भाजपा वाले भी करेंगे, कांग्रेस और बसपा वाले भी करेंगे कि इसके साथ है, ये जीतेगा, इतने बहुमत से जीतेगा, वो पीसे वो चक्की पीसेंगे, ये सब दुनिया भर का हमको नहीं पता, ठीक है, हमको मतलब है जिले से। लोग बताते हैं यहाँ पे अभी तक सड़क नहीं बनी, सड़कें जिले जनपद के अंदर की सड़कें बड़ी खराब है। आप यहाँ किस समय आए सर, आप अभी आए क्या? आप यहाँ दो साल पहले भी आए थे, हम उसके तीन साल पहले भी आए थे, मैं हरदोई पे मेरा तीन साल। आप आज रात में रुकिए और सुबह मेरे साथ घूमिए, मैं आपको दिखाऊंगा शहर में और जिले में कितनी सड़कें बनी है। ऐसा नहीं है, जनपद में बहुत काम हुआ है, ये विपक्ष के लोग भी जानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन काम तो हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। हम लोग घूमे तो हम लोग को क्यों नहीं दिखा? अब आपको नींद आ रहा है, काम बढ़िया हो रहा है, चलिए पूछ लीजिए सानू भाई से कि प्याज क्या रेट चल रहा, आलू क्या रेट चल रहा, और करुआ तेल क्या हिसाब, पेट्रोल क्या हिसाब, डीजल क्या हिसाब, गैस सिलेंडर क्या हिसाब, आपसे ये पूछ लीजिए। महंगाई चुनाव का है, चुनाव। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, बोलने तो गाय के लिए चारा खा गया यार, यार यार सुनो यार सुनो, एक एक सवाल हो जाना, ऐसा है ना ऐसा है, देखिए कैमरा बंद करके चला गया वो, इतने उसको वो सुनाई नहीं देगा, वो चला नहीं पाएगा। आप उनके वकील हैं क्या? आपसे भी बात करेंगे? मैं इनका वकील नहीं, गोला बड़ा कर लो, लेकिन गोला बड़ा कर लो भाई 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 साहब, गोला बड़ा कर लो, एक एक लोगों को मौका दो। अरे आपको मौका दिया जा चुका है, आप पीछे चले जाइए, अब आपके पास कैमरा माइक नहीं आने वाला है, अब आपके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब। अच्छा आरिफ जी, अब हाँ किसकी आम जनमानस की बात कब होगी? तो मैं कह रहा हूँ ना अब, आम लोगों से भी थोड़ी बात। अरे भाई यार, एक मेरा एक ही कान है ना, तुम लोग का 100 मुंह होगा, हमारा एक ही कान है। हाँ एक तरफ से इतने लोग की आवाज आएगी, एक तरफ से इतने लोग की आवाज आएगी, बारी बारी बोलोगे तब ही सबकी आवाज आएगी। आरिफ जी ये देखिए, ये भैया जो है कहाँ गए, पीछे चले गए। हाँ चले, ठीक है पीछे ही रहिए, हो गया आपका। हाँ तो वो जैसे बता रहे हैं, तो अच्छा ठीक है भाई, वो बता रहे हैं कि टमाटर के दाम पे बात करिए और प्याज के दाम पे बात करिए, गैस सिलेंडर के दाम पे बात करिए, वो बोल रहे हैं ये लड़के, ये लोग चिल्ला रहे हैं कि भैया आप क्यों ये सब क्या बात कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी बहुत धीमे से काम कर रहा है। हाँ महंगाई ओवरऑल पे बात करिए, और यहाँ पे आप बता देंगे कि भैया यहाँ सड़क बनी, वहाँ पे हम राइस मिल चालू कर दिए, वहाँ पे हम ये कर दिए, वो बंद करवा दिए, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दिए। ये तो समस्या है ना आरिफ जी, समस्या है हमारी, नौकरी थोड़ी है। जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो क्या अब आपकी सरकार है, महंगाई अभी है कहाँ, 20 रुपए प्याज 20 रुपए में, 80 रुपए में था इनकी सरकार में, इनकी सरकार में 80 रुपए में प्याज था भाई साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार में 80 रुपए प्याज था बता रहे हैं, अभी नहीं है। हम लोग रोजगार मुद्दे से यहाँ आए हुए हैं, हम लोग सर हम 3 साल से वेट कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, 2017 में डिलेट किए हुए हैं, अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, और प्राइमरी में जूनियर की भर्ती हुई थी, उसमें जो मतलब क्या नाम पेट फेल है और क्या नाम टेट फेल है, जूनियर टेट फेल है, फिर भी मतलब जूनियर में 145 नंबर अभी आए हैं, वो कहाँ से नंबर आए हैं, इसका कोई नहीं, इतना बड़ा घोटाला हुआ है शिक्षक भर्ती में, जूनियर शिक्षक भर्ती एक हाथ मत पकड़िए, हाथ कपड़ा मत पकड़िए। यूपी ट्रिपल एससी पिछले 5 साल में एक भर्ती नहीं करा सकती है, मैं आपको डेट के साथ नोटिफिकेशन का टाइम बता सकता हूँ, एग्जाम का टाइम बता सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहला इनका पेपर हुआ था जुलाई 2018 में, जो 2016 की भर्ती थी, अखिलेश सरकार की भर्ती थी, उन्होंने लोअर पीसेस का मेंस कराया, उसका रिजल्ट आज था अभी 6-7 महीने पहले आ पाया। उसके बाद इन्होंने 26 सितंबर 2018 को मंडी उसका युवा विकास कल्याण का, उसका रिजल्ट इन्होंने 2 साल में निकाला। इतनी इन्होंने यूपी ट्रिपल एससी को जनवासे की चाल बना
लगा दिया है, इतने धीमे चल रहे हैं कि आपको क्या बताएं। लड़का फॉर्म का पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आने के बाद उसको निरस्त कर दिया। आप ये सोचिए, उसमें इन्होंने ये बोला कि भ्रष्टाचार हुआ, तो क्या आपको 3 साल लग जाएगा जांच करते हुए? लड़का फॉर्म भरता 24 साल में, पेपर देता 28 साल में, ज्वाइनिंग होते होते 32-34 तक हो जाता है, ठीक है ना, देते हैं तो हो जाता है। एक जूनियर शिक्षक भर्ती हुई, 1500 पोस्ट थी केवल, उसमें भी इतना बड़ा घोटाला हुआ कि जो लड़का पेट पास नहीं है, सीटेड पास नहीं है, उसके 145 नंबर आ रहे हैं। हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि आप जांच कराओ, वो उधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग देना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति की सब चीजें हैं, 1500 पोस्ट निकाल के अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं कि हमने लोगों को रोजगार दे दिया। उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहां भर्ती हुई, हम लोग 6-6, 8-8, 10-10 महीने लग के तैयारी करते हैं। 69,000 रुपए तो लेकिन धीरे धीरे रिकवर किया, लोग बता रहे हैं कि 69,000 सर वो सब लीपा पोती है, कुछ नहीं, इनने स्टार्ट किया था 1.5 लाख सरकारी नौकरी से, आज पहुंच गए 4.5 लाख सरकारी नौकरी दे दी है, और किसको मिली कहां मिली पता नहीं, घूम सब ऐसे ही रहे हैं। सरकारी नौकरी नहीं कहते वो, कहते हैं रोजगार 4.5 लाख। नहीं नहीं, अब 4.5 लाख सरकारी नौकरी बोल रहे हैं, हमने पोस्टर देखा है। सरकारी नौकरी बोल रहे हैं कि हमने 4.5 लाख दिए हैं। सर अभी आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट वायरल हो रही थी, उन्होंने कहा था कि टेट जो है वो आजीवन मान्य कर दिया। अच्छा एक बात बताइए सर, आप टेट जो है एक अर्हता परीक्षा है, मानक है, कोई नौकरी तो नहीं मिल जाती है ना उससे? जब आप शिक्षक भर्ती नहीं देंगे तो आजीवन उसके मान्य होने का क्या फायदा बनता है? क्या टेट को लेकर ऐसा किया गया? नहीं किया गया है। सन 2017 बैच से लेकर 17-18-19-20 बैच, 4.5 साल के बच्चे बैठे, BTC BEd के सब बच्चे बैठे हुए, एक भी भर्ती नहीं आई। 69,000 जो भर्ती हुई थी उसमें अंतिम BTC बैच 2015 बैच उसमें अपीयर कर पाया था। उसके अलावा जितने भी 4 बैच निकाले इन्होंने अभी तक, वो सारे बच्चे खाली बैठे हुए हैं, कोई भर्ती नहीं तब से आई है। क्या नाम है आपका? रजत कुमार सिंह नाम है हमारा। रजत जी सर, हाँ। रसोई गैस क्यों महंगी है? यहाँ पे सर हम लोग 2017 से जो है, हम लोग 2017 में 19 में पास आउट हो गए थे, उससे तब से 17, 18, 19, 20 सभी पास आउट बैठे हैं और लगातार हर साल BTC कराते जा रहे हैं, लेकिन भर्तियां नहीं निकाल ही नहीं रहे, कोई भर्तियां नहीं, टेट आजीवन मान्य कर दे, उसका कोई फायदा ही नहीं है। हम लोग 2 से मतलब अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं है, 3 बार सीटेट और 1 बार टेट यूपी टेट पास कर चुके हैं, अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं आई है सर। अब पता नहीं 4 साल से वेट कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। एक चीज बताइए रजत या बाकी लोग, सब लोग बताइए, मेरा सवाल ये है कि मेरा हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ना हम लोग का किसी को सपोर्ट है, हम लोग अपने रोजगार से मान रहे हैं। मैं मान गया, जो हमें रोजगार देगा उसी को वोट देंगे। मैं मान गया आपकी बात, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन हम लोग को, हमको मुझे एक बात बताइए कि या ये जो विषमता आई है नौकरियों में, ये देर, भाई साहब यार आपके शहर, अपने शहर का नाम मत खराब कीजिए। आप लोग यहाँ पे कोई लोग बात करने आए हैं, वो बातचीत बंद करके चला जाए, कितनी खराब छवि बनेगी हरदोई की। ये सब पर लागू होता है, कोई एक दूसरे को मत ब्लेम करे, ये मैं सबको कह रहा हूँ। भाई यहाँ पे 5 लड़के बहुत जरूरी बात कह रहे हैं, तो ये बताइए कि मिला जुला के बात अब ये हो जाती है यहाँ पे कि किसका दोष ज्यादा है, क्योंकि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ किसी भी सरकार ने किया हो, लेकिन बात आती है पॉलिटिक्स में हमेशा बाइनरी की। 17 तक यूपी में दूसरी सरकार थी, वो एक अलग बाइनरी का एक हिस्सा है। 17 से 21 तक दूसरी सरकार चल रही है, वो बाइनरी का दूसरा हिस्सा है। ये विषमता कहाँ से आती है? क्या 17 के पहले की सरकार में भी ये समस्या थी, या आते आते बढ़ गई, या इसमें कोविड का भी रोल हो सकता है जिसपे सरकार को बाउंटी पॉइंट्स दिया जाना चाहिए, या सरकार ही लद्दड़ है? क्या बारी बारी सर, सरकार के बारे में अगर कहें तो देखिए प्रक्रिया भर्तियों की बहुत धीमे चल रही है, सरकार लद्दड़ है कह देना कुछ हद तक ठीक भी है, मतलब पूर्णता सही नहीं है। मैं मेरा सवाल था, मैंने मेरे आरोप नहीं थे सरकार पे, मेरा तो सवाल पूछना काम है। सरकार देखिए बात है ये कि सिस्टम को कौन अच्छे से चला पाए, रोजगार पे कोई बात नहीं होती, चुनावी मुद्दे हमेशा हिंदू मुस्लिम बनता है, बहुत हद हो गई तो महंगाई बन गई, रोजगार पे तो कोई बात ही नहीं होती, युवाओं की कोई बात नहीं होती। इलाहाबाद में 70 दिन से ऊपर हो गया है रोजगार प्रदर्शन, धरना चल रहा है, लेकिन किसी भी तरह की उस पर कोई बात नहीं, सरकार उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग जाते हैं चक्कर काटा करते हैं, लखनऊ में भी मंत्रियों के आवासों के बाहर कई बार हम लोग स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेके गए तो मंत्री जी कहीं भुट्टा खिला रहे हैं, तो कहीं कहते हमारे घर बैठो तो मैं चाय पिलाते हैं, मतलब बात कोई नहीं करना चाहता, भुट्टा चाय में टहला रहे हैं हम लोग। सतीश द्विवेदी जी वो क्या कहते हैं कि आओ चाय पियो भुट्टा खा लो बस सर, और बाकी सब जब धरना देने जाते हैं ऐसा, मतलब 15 से 20 बार हो गए शिक्षक भर्ती धरना देते हुए,
शिक्षक भर्ती धना दिया, बस क्या होता है, बस लाठी चलवा देते हैं, हम लोग क्या करें, मार खा कर वापस आ जाते हैं। आ चुके हैं हम लोग वहाँ लखनऊ से, यहाँ से हरदोई से लखनऊ तक के लिए पैदल मार्च किया था हम लोगों ने, और वहाँ से क्या हुआ, लाठी खा के वापस आ गए, कुछ नहीं निस्तारण कर रहे हैं हम लोगों ने। ये मतलब जो है एक बेरोजगार अभ्यर्थी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ सर, मेरा नाम देवारचंद मिश्रा है, मैं चूँकि हम लोग प्रशिक्षु हैं, अब पदाधिकारी हैं, क्योंकि हमें नेतृत्व करना ही है, क्योंकि भर्ती तो आ नहीं रही है, पिछले 2 साल हो गए हैं, हम लोग 17 बैच की BTC हैं। आप बताइए, ऐसा कोई महीना नहीं जाता है जिसमें इलाहाबाद से लेकर हरदोई तक कहीं धरना ना होता हो, कहीं पैदल मार्च ना होता हो। पैदल मार्च हम लोगों ने शुरू किया, हम सतीश द्विवेदी जी के एक आवास पर जाते हैं, घेराव करते हैं, पुलिस की गालियाँ खाते हैं, कब तक करें। मान के चलिए औसतन हर साल 3 टेट होते हैं, 4 टेट होते हैं, बच्चे लाखों पास होते हैं, कम से कम 15 लाख प्रशिक्षु सर यहाँ पे मौजूद है जो टेट पास है। बताइए वो उनके घर पे मानसिक त्रासदी से जो वो गुजर रहे हैं उसके बारे में मंत्री जी कब सोचेंगे। आपको जवाब देता हूँ मैं, हाँ कौन देगा, जवाब देता हूँ मैं, देता हूँ मैं भी इनके साथ का ही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक तिवारी है। कार्तिक, हाँ कार्तिक तिवारी, करते हैं कार्तिक, मैं भी BEd प्रशिक्षु ही हूँ, जिला उपाध्यक्ष भी, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी, युवाओं के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। हाँ, ये वाला नहीं बता रहे थे, बता रहा था नंबर आने दें, जैसे नहीं जैसे अभी इन्होंने बात कही, बहुत टेक्निकल बात की, भाई शांति सुनिए सब लोग, कि वास्तव में हिंदू मुस्लिम होता है, महंगाई बनता, रोजगार मुद्दा नहीं बनता है, नो डाउट, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ, पर हमारी सरकार बनी 17 में, हम 18 में आए, 18 हमने TT भर्ती कराई, 69,000 TT भर्ती हुई थी, कंप्लीट हुई कि नहीं, 69,000 भर्ती है, आप हमारी सरकार के टाइम से आई हुई है, एक 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 नहीं ना, बोलो बोलो भाई भाई, एक आदमी केवल, एक आदमी केवल, एक आदमी मैं बोल रहा हूँ, नहीं आपके, आपने जो बोला है उसको मैंने पूरा संज्ञान ले लिया, आप क्या बोलने वाले हैं, मैं वो बोले TT भर्ती हुई कि नहीं हुई, सुनिए आप मेरी बात, जो TT अभी तक इस सरकार ने 2 भर्ती कराई है, 1 68, आप मेरी बात सुनिए, अगर मैं आप मुझसे असहमत हो तो आप बताइए, TT भर्ती हुई कि नहीं, भले नहीं सवाल इतना, आप एक एलिजिबिलिटी एग्जाम में कोई भर्ती नहीं है, TT के बाद सुपर टेट होता है, सुनिए क्या है क्या नहीं है, अगर आप पूरी बात नहीं सुनेंगे, आप नहीं लगाए हुए हैं, ठीक है आप सुनिए, ठीक, 17 में सरकार बनी, 18 में एक TET की अहर्ता प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश TET की एक आएगी, उसके बाद सुपर टेट होती है, अभी तक पिछली सरकारों में क्या होता, सिर्फ UP TT होती थी, ठीक है, उसके बाद आपका बनता था मेरिट होता था, नकल का गढ़, जहाँ जाओ वहाँ नकल करो, जाके अपने मेरिट बनाओ और भर्ती लो आके, हमारी बात सुनो, पूरी टेक्निकल बात सुन लीजिए, हमने कहा नहीं, हम पारदर्शिता लाएंगे, हम लाए सुपर TT, ठीक, हमने कहा आप एक TT पहले उसको आप जो है क्वालिफाई कीजिए, आप सुपर टेट में, ये सुपर टेट का मेरिट बनेगा, उसमें आपके भरांक लिए जाएंगे, हाई स्कूल इंटर BSc BEd के हम आएंगे, हमने 18 में एक नोटिफिकेशन दिया, TET एग्जाम हुआ, सुपर टेट एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, आ गया कोविड, अब कोविड में भाजपा सरकार 18 से लगाया 20 में कोविड आया, 2 साल का वक्फा बीता, एक UP TET का पेपर हुआ, भाई नोटिफिकेशन आता है, सुनिए एक मिनट, एक आज नोटिफिकेशन आया, 1.5 महीने का पेपर होता है, फिर 1.5 महीने का रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में क्या होता है, अब जो पास हो गया वो तो खुश है, जो फेल हो गया वो जाके हाईकोर्ट में रेट डाला था, जाके स्टे लग जाता है। ये एक बार बताइए, सवाल यहाँ पे है ना, TET भर्ती तो नहीं है, TET तो एलिजिबिलिटी एग्जाम है ना, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका नाम है, वो आपने एग्जाम दिया तो उसका मतलब ये है कि आप टीचर बन सकते हैं कि नहीं, उसके बाद कहीं टीचर की भर्ती आएगी तो टेट का स्कोर आपका जो है वहाँ पे वो कितनी भर्तियाँ 1.5 महीने में क्लियर हो गई, कितनी भर्तियाँ 1.5 महीने में क्लियर हो गई, नहीं मतलब कैसी क्लियर होंगे, आप एक नहीं, आप TET कहा कि भर्ती आई 1.5 महीने में सब हो गया, जो पास नहीं हुआ उसको बुरा लग रहा है, कौन सी भर्ती 1.5 महीने में क्लियर हो गई या हो गई तो आप नाम कमेंट है, इस पे एक कमेंट है, जो आप कह रहे हैं कि जो भी भर्ती आई है उस पे जो पास नहीं हुआ वो हाईकोर्ट चला गया, संभवतः आप 69, सुनिए एक सेकंड, संभवतः आप 69,000 भर्ती की बात बारे में बात कर रहे हैं कि वो, एक सेकंड रुकिए, सरकार पहले क्यों नहीं तय करती है कि भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, जब भर्ती की प्रक्रिया में ही उलझने होंगी तो सरकार तो प्रतिक्षु जो फेल हुआ है वो जाएगा ही, वो अड़ंगा लड़ाई, भर्ती नहीं अभी तक टेट होता था, आप फिर आप यार बात ही नहीं सुनते हो, हम भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ही सुपर टेट लाए, भाई साहब टेट क्वालिफाई कीजिए, आप सुपर टेट है, ठीक, अच्छा सुपर टेट आज से पहले हुआ था क्या, सुपर टेट आज से पहले नहीं, सुपर टेट आज तक हुआ था क्या, पहले
सर एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि सुपर टेट नहीं हुआ था, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सुपर टेट नहीं हुआ था, इससे पहले क्या नहीं हुआ? शिक्षक भर्ती का तो बता रहे हैं, यहाँ तो ये हाल है कि विज्ञापन ही हाईकोर्ट पहुँच जाता है। चकबंदी लेखपाल का विज्ञापन आया था 1 से 1.5 साल पहले, विज्ञापन ही पहुंच गया, विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया, फॉर्म जिन ओबीसी की सीटें नहीं तो उन्होंने वापस कर लिया था, वो सीटें नहीं, वो दूसरा मुद्दा था, वो सीटें नहीं थी, लेकिन पहले फॉर्म वो चला, उसमें फॉर्म लोगों ने भरे ना, उनकी फीस कटी, फॉर्म आपने रद्द कर दिया, किसी को जो वापस मिला वो तो चला गया, वो तो राजस्व में चला गया ना भाई। 2016 का जूनियर असिस्टेंट था, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हम मतलब ये बता रहे हैं भाई, ये बता रहे हैं कि ओबीसी वर्ग की सीटें ही नहीं थी, किसी वर्ग की सीटें ही नहीं होंगी तो क्या उसमें गलत नहीं हुआ एग्जाम में, विज्ञापन में? नहीं, विज्ञापन तो रद्द हो गया तो ठीक है, लेकिन लोगों से फॉर्म तो भरवा लिए इन्होंने शुरुआत में, जिनके भर गए उनका किसकी गलती है? ये तो आयोग की गलती है, आयोग की गलती है। स्टूडेंट का क्या है, वो फॉर्म आएगा तो वो भाई दौड़ के भरेगा ही, उसको रोजगार चाहिए, भर दिया फॉर्म भर दिया, अब उनकी फीस तो ले ली उन्होंने, अब उसको तो रिफंड किया नहीं, विज्ञापन रद्द, रिफंड नहीं किया, वो तो रद्द हो गया। 2000 शिक्षा के विषय में जो है सबसे अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी की यह रही है कि जो नकल होती थी पूरे प्रदेश के अंदर एक भारी मात्रा में, वो जो है एकदम बहुत अच्छी तरीके से बंद हो चुकी है। अब कहीं अगर कहीं चोरी छुपे पहले तो कॉपी लेके एग्जाम दिया जाता था ना, नकल बिल्कुल बंद है। भैया कह रहे हैं कि पहले जैसे कॉपी किताब ले, ये जो बातें हैं कराते हैं, अब तो बोल के नकल कराते हैं, कैमरे लगे हैं उसमें साउंड जाता नहीं है। अब पहले कैसे लोग पर्ची नकल कराते थे, अब क्या है कैमरे के साथ पीछे खड़े हैं, बोल रहे हैं, स्टूडेंट लिख रहे हैं, टीचर नकल करा रहे हैं, कौन कहता नकल नहीं हो रही है, नकल खूब हो रही है, मात्रा में नकल हो रही है, गलत कह रहे हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी का 98% लोग पढ़ रहे होंगे, अरे सर 98% बीएससी में 98% रिजल्ट, ह्यूमैनिटीज में 98% नंबर कहाँ से आ पाएगा? ह्यूमैनिटीज में, हाँ ह्यूमैनिटीज में 90% नंबर तक आए इस बार। यस सर, कहा सकता है पढ़ाई करते होंगे बच्चे, ऐसा कर नहीं सकता? नहीं सर, इलाहाबाद में तो कभी नहीं होता, बच्चे पढ़ाई करने लगे होंगे, बैठ के खूब पढ़ने लगे होंगे, एकदम सुबह से रात तक एकदम रट मारे होंगे, पढ़ के एकदम भयानक एग्जाम दिए होंगे, मगर इसमें सर बिन भगवान भरोसे तो उसमें तो मेरा तो 98% नहीं आया, पढ़े होते तो मेरा आगे होता यार, कभी नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मतलब ये प्रकृति का नियम है कि कोई बच्चा 98% सारे, बहुत सारे बच्चे नहीं ला सकते हैं, आप एक प्रकृति का नियम है क्या? प्रकृति का नियम है सर, 98% नंबर लाना क्या हर बच्चा ला सकता है? आप बताइए, आप एक बार 145 भाई आप बोल लिए, आप पीछे चले जाइए, नए लोग आने दीजिए पीछे से। हाँ संजय मिश्रा, नहीं नहीं रुक जाइए, संजय मिश्रा, संजय जी क्या करते हैं? हाँ क्या करते हैं, क्या है ये? हम प्रॉपर्टी काम करते हैं जी, बताइए जी। बात ये है, सबसे बहुत मुद्दा ये है कि नरेश अग्रवाल के शासन में आज तक कोई गुंडाई हुई हो, जैसे जो आर कन्या स्कूल है, एक बाल विहार स्कूल, लड़कियां आती जाती, चाहे उनका आदमी हो चाहे कोई आदमी हो, ठीक, उन्होंने उठा के उसको बंद कराया, उनके शासन में अनुशासनहीनता कभी नहीं हुई। आपको कोई बता रहा था कि कॉपर का तार चोरी करवा दिए थे, वो ऊर्जा मंत्री थे, तो ऐसा मैंने अभी कोई बोला कैमरे पर, हर एक बंदा था बोला कि ऊर्जा मंत्री थे, कॉपर का तार चोरी करा के एल्यूमिनियम में करवा दिए थे उसको। मैं बताओ एक और हमने आरोप लगाने वाले बहुत लगाते हैं, लेकिन आपका सर्टिफिकेट है चलेगा 101% हाँ, हरदोई में हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, ठीक है, ये सब बात ठीक है लड़के, लेकिन जो है बता रहे हैं कि रोजगार पे महंगाई पे, रोजगार पे महंगाई पे तो ऊपर जो होता है नरेश अग्रवाल की मैं क्या गलती है? आप बहुत लोकल बात कर रहे हैं, मतलब और क्या, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, जमीनी बात कर रहे हैं। सरकार आई है उसके बाद से 2 भर्ती हमारी हुई है, हमारी भी भर्ती उसी में हुई है, पहली भर्ती शिक्षक भर्ती 18,500 जो हुई थी वो उसमें हम भी सिलेक्टेड हैं, हमारे एक दोस्त भी हैं, ये भी इनकी नौकरी उसमें लगी थी। उसके बाद 69,000 भर्ती आई, उसमें भी कई लोगों की नौकरी लगी। इसके पहले जो सरकार थी उसमें ये नियम था ही नहीं कि सुपर टेट के माध्यम से कराया जाए, और पारदर्शिता इतनी नहीं थी कि जिनकी मेरिट अधिक हाई स्कूल इंटर और बीएससी में थी उनकी नौकरी डायरेक्ट लग जाती थी, लेकिन अब वो यहाँ ये नियम बदल गया है इस सरकार में नियम बदल गया है। और जैसे नकल की बात जो कही है कि अभी नंबर बढ़ के आ रहे हैं, तो पेपर इस बार ऑप्शनल किया गया था, तो ऑप्शनल में गुंजाइश अधिक होती है कि पेपर सही हो सके, लिखित परीक्षा में नंबर ज़्यादा काटे जा सकते हैं, लेकिन जो गोला भरने वाला परीक्षा होती है उसमें ओएमआर वाली तरीका है, उसमें एक संभावना है कि अधिक नंबर आ सकते हैं।
ये बात इसका यही हल है। हाँ भैया बोले लो। बस सर सभी भर्तियाँ अच्छी हुई, बीटीसी की हुई, टीजीटी की हुई, बीए डिग्री की हुई और लेखपाल चकबंदी को हमारी सर बोल लियो ना बोलने दो। हमारी सर एक मांग है कि हम शिक्षक है, हमको ओल्ड पेंशन स्कीम दिला ली जाए सर, और बस हम तन मन धन से हमेशा समर्पित रहेंगे बीजेपी के लिए। भाई अरे भाई साहब आप फिर आ गए, सुनिए तो सर वो एनपीएस से खुश नहीं है? नहीं सर एनपीएस से नहीं खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं खुश है। सरकारी शिक्षक हैं जी, बिल्कुल सरकारी शिक्षक हैं, और ये जो है अगर बीजेपी सरकार ही कर सकती है क्योंकि केंद्र में भी वही हैं और राज्य में भी वही हैं। क्या दिक्कत है एनपीएस में, ओपीएस में क्या बड़ा बच्ची बात है? ये हमारा मार्केट के हवाले पैसा होता है और इसमें ओपीएस में हमारा फंड और जीपीएफ सरकार के अधीन होती है, ये उसमें निश्चित होता है कि हमारा कितना हमको 50% सैलरी का 50% हमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और एनपीएस में आज 88,000 पाने वालों को केवल 2,000 रुपए पेंशन दी जा रही है सर, ये हम लोगों के ऊपर हमारे भविष्य खराब हो रहा है। हमारे सर भविष्य में 60 वर्ष के बाद हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे सर हम लोग रोटी नहीं देंगे, घर से बाहर कर देंगे सर। बीजेपी से सर केवल हमको यही उम्मीद है, और सिर्फ बीजेपी अटल सरकार ने हटाई थी एनपीएस, और एनपीएस लाई थी, ओपीएस हटाया था बीजेपी सरकार ने, सिर्फ हम उससे केवल यही उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार सिर्फ हम लोगों की ये मांग मान ले ओपीएस को। हमारा सारा कर्मचारी भारत सरकार का, सारा शिक्षक, सभी शिक्षकगण, सारे जो है कर्मचारी संयुक्त परिषद, सभी मिलकर सभी एक साथ हम उनकी कन्वेंसिंग तक कर डालेंगे। सिर्फ सिर्फ ओपीएस, सिर्फ ओपीएस। 2022 की सरकार बनने दीजिए, इनके तमाम मुद्दे माने जाएंगे। सरकार तो है ना बाबू। भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब जो है जो पेंशन की बात हुई, केवल नाम है आपका? अंतर्यामी वाजपेयी, मैं अध्यापक हूँ, मैं भी सरकारी शिक्षक हूँ। आप दोनों सरकारी शिक्षक? जी हाँ, वो भी सरकारी शिक्षक है। प्रश्न ये है कि विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य सारे लोग ओल्ड पेंशन की व्यवस्था से पा रहे हैं, आखिर ये द्वयम व्यवस्था हम लोग कर्मचारी और शिक्षकों के साथ क्यों? अगर यदि उनको यदि आपको चाहिए तो जो अभी भाई बता रहा था ओल्ड पेंशन की व्यवस्था, ओल्ड पेंशन की व्यवस्था मेरा कहना है कि सारे जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, लोकसभा के सदस्य हों चाहे राज्यसभा के सदस्य हों, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हों, सारे लोग ओल्ड पेंशन को पा रहे हैं। आखिर कर्मचारी और शिक्षकों के सामने ऐसा द्वयम व्यवहार क्यों? जिस समय हमारी अवस्था, अभी तो हमारी अवस्था ठीक है, आज से कुछ समय के बाद 62 वर्ष की अवस्था के उपरांत जब हमारी इंद्रियां शिथिल होने लगेंगी, तब हम क्या बाजार आधारित व्यवस्था पे अपनाएंगे? सोचिए यदि हम कहीं से रिटायर हुए, उसके पश्चात बाजार एकदम से लुढ़क गया, सेंसेक्स लुढ़क गया, तब क्या होगा हमारा? हमारे एक स्थायी, हमको कोई व्यवस्था हो, हमको फिक्स एक निश्चित पेंशन की बात करें, हमारी ये सरकार से मांग है। और चूंकि इनसे इसलिए श्रद्धेय अटल जी की सरकार में पेंशन बंद की गई थी, इसलिए इनका दायित्व बनता है, और इसीलिए मैं इनसे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग भी कर रहे हैं। मतलब जो है कि हमारे यहाँ एक कृषि महाविद्यालय बना हुआ है, अखिलेश जी की सरकार, मुद्दा जो चल रहा कृषि महाविद्यालय, अब हरदोई में है ना ये विषय हमारे यहाँ का, ये आपके चैनल के माध्यम से भाई, वो तो शुरुआत में शुरू बात हो गई, तुम बाद में नहीं, बातचीत में नहीं आए थे? नहीं नहीं, हाँ वो बातचीत शुरुआत में हो चुकी है, वो शुरुआत में बातचीत हो चुकी है। हाँ बोलिए बोलिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शुभम मिश्रा है। शुभम जी, रानू मिश्रा के नाम से मशहूर हूँ, पत्रकारिता करता हूँ। यहाँ पे गरीबों की कोई बात नहीं हो रही। आप करिए ना, क्या बात कर रहे हो? मनरेगा के अंतर्गत इतना, मनरेगा के अंतर्गत गरीबों के लिए बहुत पैसा आता है, बहुत कुछ गरीबों करने का रूप इस्टीमेट बनता है गरीबों को करवाने का, मगर वो सिर्फ कागजों पर ही बनता है, कागजों के सिवा जमीनी स्तर पे कहीं भी। प्रूफ हो तो बताओ गुरु, कोई किस्सा हो, कहानी हो, प्रूफ तो बताओ, हम उसको बात भी समझे तुम्हारी। मतलब ये बात तो बहुत से लोग बोलते हैं कि देश में भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार के किस्से बताओ तो हम कुछ समझे भी। यहाँ के अधिकारीगण, सरकार नहीं भ्रष्टाचार है, हमारी सरकार अच्छी है, 2022 में पुनः आएगी, मगर यहाँ के अधिकारीगण ध्यान नहीं दे रहे इस बात का। सरकार तुम्हारी सर देखिए ऐसा है कि यहाँ पे आते तुम यार, बेरो 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 एक इसमें हमारी आ रही, ठीक है, किसी सरकार इनकी वेंटिलेटर पे जिस प्रकार दुनिया आराम, अरे बहुत बहुत ऊर्जा है आपके अंदर, थोड़ा धीमे बोलिए। ले लेना कि जो एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाइए एक सेकंड, पीछे अलग मार हो गया क्या? देखिए भैया एक सेकंड रुक जाओ, शांत हो जाओ यार भाई। देखिए सीधी सी बात है,
कि जो हम बेरोजगार जो प्रशिक्षु हैं या बेरोजगार जो व्यक्ति है वो किसी पार्टी से संलग्न नहीं है, वो अपना ही देखता है कि भर्ती आ रही है कि नहीं है। जो भर्ती देगा, जो नौकरी देगा, हमारा वोट उसको जाएगा। पिछले इतने लगातार हर साल से सर ये लोग हर साल से बीएड बीटीसी करा रहे हैं, भर्ती करा रहे हैं, हम क्या करें बताइए। ये बात तो हो गई ना भाई, ये बात तो इन्होंने कही थी, इन्होंने रतन ने कही थी। हरदोई में 8 विधायक, 2 लोकसभा सांसद, 1 राज्यसभा सांसद है, लेकिन हरदोई में आज जब सपा सरकार थी तो उन्होंने लखनऊ से लेकर शाहजहांपुर तक 4 लेन का किया था। एक मिनट सुनिए, उसके बाद क्या हुआ कि आज हरदोई में इतने विधायक सांसद होने के बावजूद भी यहाँ पे एक बाईपास नहीं बनवा पाए। और दूसरी बात क्या है, हरदोई की बता दें, कोई बाईपास नहीं बन पाया, जिससे क्या है कि आज भी लोग 20-20 किलोमीटर पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, नो एंट्री में सिटी के अंदर इंटर नहीं हो पाती हैं, जब तक बाईपास नहीं है। जब तक हरदोई का बाईपास नहीं बनेगा तो हरदोई का विकास नहीं हो पाएगा। कहने के कोई भी कहे, सुनिए सुनिए, बाईपास चालू हो गया है, हम बताएंगे आपको, शिकायत लेके करके आ गए लोग, तुम नाप हुई गए। अरे नाप तो 4000 साल दो बना है कहीं पर हो रहा है वास्तविक रूप में, यहाँ पे हो गया है, एक ईंट नहीं लग पाई है। प्रोजेक्ट समाजवादी सरकार के है, देखिए थोड़ा सा आज के प्रशांत कर रहे हैं, हमारे खाता में पैसा आ चुका। देखिए सर, मेरा नाम मधुसूदन मिश्रा, मेरा नाम है, 2017 बैच बीटीसी का था, ठीक है। उसमें से मेरे जो मैंने जिस कॉलेज से किया उसमें बहुत ऐसे गरीब बच्चे थे जिन्होंने कर्ज पे पैसा लेकर के बीटीसी किया। उसके बाद वो पात्रता परीक्षा सीटेट जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है उसको उत्तीर्ण कर चुके हैं, जो प्रदेश स्तर की है, जो प्रदेश स्तर की जो परीक्षा है उसको भी पास कर चुके हैं, दो नहीं कई मरतबा उसको पास कर चुके हैं। सरकार की तरफ से कोई भर्ती नहीं दी गई है। आज वो लोग इतना मानसिक प्रताड़ित हैं, उनके अंदर क्या एक तरह से देखते रहते देखा जाए आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, ठीक है। प्राथमिक में शिक्षक भर्ती सरकार के द्वारा दी नहीं जा रही है, और जिसको शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर जो है उसकी विज्ञप्ति जो है उसको जारी करना। मार हो गया क्या आराम से? मार नहीं होगी सर जी। यहाँ बेसिक जो है, बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ हरदोई जिला जो है वो बेसिक की दृष्टि से बहुत बड़ा। एक चीज बताओ, आप लोग हरदोई के लोकल लोग हैं, हरदोई के बीच में एक तो वो है ओवर ब्रिज है, फ्लाई ओवर ना, जो 34 साल में 30 साल में बना, अर्जुनपुर वाला, नहीं अरे रेलवे का फ्लाई ओवर जो है, हाँ जी 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 बताइए, यानी रोड वाला बना है अभी, यस बना ना, हाँ बन गया, कितने साल में बना कुछ कहते हैं सर, नहीं शहर के बीचों बीच है, काफी सरकार बना था, वो तो काफी टाइम का बना हुआ है सर, एक वो पियानी रोड पे नया बना हुआ है अभी फ्लाई ओवर, रेलवे लाइन के ऊपर। आप आपको बात करनी तो कर लीजिए, लेकिन मुझे ना खोदिए मत ऐसे, तो महोदय हमारा एक विनम्र निवेदन, चौधरी चांदराम, चौधरी चांदराम ने ओवर ब्रिज पास कराया था अपने कार्यकाल में, और जो बनके अब तैयार हुआ है साल दो साल दिन लग गया, 34 साल, अब पता नहीं है सरकार जाने फंड नहीं क्या नहीं क्या नहीं, कहते भी ना शायद कोई लेट करता है, तो उनको यहाँ के भाई साहब बता रहे थे कि चौधरी चांदराम हो गए, का ऐसे बोलते हैं, वही जान सकते हैं भाई, हम तो जान नहीं सकते इतना लेट क्यों हुआ, 34 साल लग गया, कुछ भी हुआ हो तैयार हो गया, लेकिन नरेश अग्रवाल क्या कर रहे थे, नरेश अग्रवाल क्या कर रहे थे इतना दिन, तो जो मैं पास नहीं करवाया था, जो डंडा करते वो जो काम लेते हैं वो जिसका काम है वो जाने, नरेश पा रहे काम लेते हैं वो करवाते हैं, जो पहले कौन बोल गया क्या बोल गया उससे कोई मतलब नहीं, आप अलग बता बोले भाई, हमको सुनाई नहीं दे रहा, इधर आ जाइए आगे आ जाइएगा। उस समय परमाईलाल जी ने इस्तीफा दिया था तो चौधरी चांदराम जी उपचुनाव में सांसद हुए थे, उन्होंने सांसद में इसका ओवरब्रिज पुल को पास कराया था, उसके बाद में सत्ता परिवर्तन होता रहा और पुल नहीं बन पाया, अब माल्या बन के तैयार हुआ। सत्ता परिवर्तन किस साल हुआ? सत्ता परिवर्तन कई साल गए हो तुम? हमने जो चौधरी चांदराम जी ने बताया मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भैया सुनिए सुनिए, आधार कार्ड बाद, अरे आधार कार्ड बाद मांगेगा, सुनिए पहले भैया हमसे बड़े हैं, आप हमसे बड़े, सुनिए तो आप जो भी सुनिए अरे सुनिए बोलना है, अरे भैया आप चौधरी चांदराम में कौन सा तैयार हो चुका भैया, चौधरी चांदराम ने कब पास करवाया था? चौधरी चांदराम
हमने जिस सन में साल हम सन नहीं जानते, साल भी नहीं जानते, लेकिन ये चौधरी चांदराम जी ने स्वयं डाक बंगले में जब कांग्रेस पार्टी से टिकट पर चुनाव यहाँ लड़ने आए थे पार्लियामेंट का 32 लोकसभा से, तब उन्होंने ये बताया था कि हमने ये पुल पास कराया है जो ओवरब्रिज है। देखिए भैया सुन तो लीजिए, चांदराम आए थे जगतपुरवाम हेलीकॉप्टर तो नरेश अग्रवाल और चौधरी। चलिए सब नरेश जी वाली लड़ाई है, अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा, शुक्रिया, गुड नाइट।